इस वीडियो में हम तीन बहुत ही कमाल की पैन ट्रिक सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल होने वाली है। इस वीडियो में आने से पहले आपने थंब अराउंड जैसे ट्रिक्स तो सीख ली होगी, इसलिए हम उस वाली ट्रिक की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इन्फिनिटी ट्रिक से। ट्यूटोरियल देखने के बाद मुझे पता चला कि ये ट्रिक है तो इजी, लेकिन फिंगर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसे मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आपको थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से आपको पेन को कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है, और उसके बाद आपको स्मूथली नीचे की तरफ स्लाइड करना होगा कुछ इस तरीके से। इतना समझने के बाद ये जैसे ही पेन नीचे गिरती रहती है, आपको मिडिल फिंगर को बीच में लाना होगा और थंब को रिलीज करना होगा कुछ इस तरीके से। अब थंब को रिलीज करने के बाद पेन की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। यहां पर भी आपको स्मूथली नीचे की तरफ स्लाइड करना होगा। शुरू में प्रॉपरली नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद स्मूथली होने लगेगा। जब ये पेन नीचे स्लाइड होते रहती है, तब आपको थंब को बीच में लाना होगा कुछ इस तरीके से। अब सब स्टेप्स को कंबाइन करके आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से स्टेप्स को देखिए, मैं किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपको जो भी पेन कंफर्टेबल लगे आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। शुरू शुरू में आपकी फिंगर्स कंफ्यूज होंगी, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्मूथली ये होने लगेगा। देखो, जैसे मैंने बताया, सेम उसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत जल्दी 10-15 मिनट में ही सीख जाओगे। थर्ड ट्रिक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा कूल लगती है, लेकिन उससे पहले हम सेकेंड वाली ट्रिक सीख लेते हैं, जिसका नाम है चार्ज। अगर आपको ट्रिक समझ में आ रही है तो इस वीडियो को अभी से अभी लाइक कर दो। अब इसको सीखने का तरीका कुछ ऐसा है कि पेन को कुछ इन दोनों फिंगर्स के बीच में कुछ ऐसे रखना होगा, और पेन का लास्ट वाला पार्ट कुछ इस जगह पर रहेगा, जिसे आप झटके से मोमेंट दे सकते हो। इतना करने के बाद राउंड मोशन देते हुए उसी जगह पर लाना होगा। पहली बार में आपको लगेगा कि मेरी फिंगर्स नहीं कर पा रही है, लेकिन जब आप अपनी फिंगर्स को टोटली रिलैक्स करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुरंत ही इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। इसके बाद मैंने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की, और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद मेरा मूवमेंट बहुत अच्छे से स्मूथ होने लगा। प्रैक्टिस करते करते मुझे अब लगभग आधा घंटा हो चुका है और मैं ये वाली ट्रिक बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो हमने अभी तक चार्ज और इन्फिनिटी ट्रिक सीख ली है। अब हम थर्ड ट्रिक सीखने वाले हैं, जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा कूल लगती है। इस ट्रिक का नाम है फिंगर पास। वैसे तो इस ट्रिक में समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपके फिंगर्स के बीच में पेन को पास करते जाना है। जब आपकी पेन फर्स्ट और सेकंड फिंगर में रहती है, तब आपको फर्स्ट फिंगर से नीचे करकर थर्ड फिंगर से कैच लेना होगा। उसी तरीके से आपको थर्ड फिंगर को नीचे और फोर्थ फिंगर से कैच लेना होगा। इसके बाद आपको सेम तरीके से पेन को ऊपर की तरफ पास करना होगा। तो चलो इसकी भी प्रैक्टिस धीरे से शुरू करते हैं। ये चीज आपको बार बार रिपीट करते हुए प्रैक्टिस करना होगा। अभी तो मेरी मोमेंट मैकेनिकल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे मैं इसकी प्रैक्टिस करते जाऊंगा ये काफी स्मूथ होने लगेगा। एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि जितनी रिलैक्स आपकी फिंगर्स रहेगी उतनी स्मूथ आपकी ट्रिक दिखेगी। मैंने सोचा इस वाली पेन से प्रैक्टिस कर लिया जाए, इससे जल्दी सीख जाऊंगा। इस पेन को बनाने का तरीका मैंने पिछले वाली वीडियो में बना चुका हूँ। इस वाली वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हो। वैसे तो इस वाली ट्रिक की मैंने काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस की भाई। पता नहीं मेरी फोर्थ फिंगर क्यों दिक्कत कर रही थी। इस ट्रिक को सीखने में मुझे काफ़ी समय लग गया था, और लगभग 4-5 घंटे की मेहनत करने के बाद ये ट्रिक मुझसे थोड़ा बहुत अच्छे से हो पा रही थी। कमेंट करके बताना आप कौन सी पेन स्पिनिंग ट्रिक सीखने वाले हो, और कमेंट करके ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो अगर पेन स्पिनिंग ट्रिक के ऊपर आती है तो कौन सी पेन स्पिनिंग ट्रिक सीखनी चाहिए। यस।